ये बैटरी टेस्ट करके दिखाते हैं, मल्टीमीटर लेंगे। ये देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको हम डीसी वोल्ट पे करके हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कितना चार्ज हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखाए थे ये 1 पॉइंट कुछ वोल्ट था। तो ये देखिए अभी बैटरी हीट है इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा वोल्ट बता रहा है, ये 13.623 इस टाइप से वोल्ट बता रहा है दोस्तों। ये आपका 3 घंटा में फुल चार्ज हो गया मेरा बैटरी। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ऑटोमेटिक ऑटोकॉट 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाएंगे और ये बैटरी चार्जर बहुत ही पावरफुल होगा दोस्तों। और जो बैटरी चार्जर आज बनाएंगे बहुत ही कम प्राइस में ये आपका बैटरी चार्जर बन के तैयार हो जाएगा और इससे आप आसानी से कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको आज जो बैटरी चार्जर बनाएंगे उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट के नाम बता देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, ये मेरा एक ट्रांसफार्मर लेंगे, ये 0.12 का ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पियर का है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ये जो रेड वायर देख रहे हैं ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो येलो वायर देख रहे हैं ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई लेंगे और ये आउटपुट दोस्तों 12 वोल्ट एसी सप्लाई देगा। इसके अलावा हम 4 डायोड यूज करेंगे, ये डायोड का नंबर है 5408 और एक पोटेंशियल मीटर लेंगे, ये देखिए मेरा 47K का है और एक 12 वोल्ट रिले यूज करेंगे। एक कैपेसिटर लेंगे 470 UF 25 वोल्ट, एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और एक रेड कलर का LED बल्ब और एक ग्रीन कलर का LED बल्ब। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और कंपोनेंट यूज होगा तो हम आपको वीडियो में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये जो, जैसा कि हम आपको बताएं, ये ट्रांसफार्मर मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये आपका 220 वोल्ट एसी सप्लाई लेके 12 वोल्ट एसी सप्लाई देगा। ये 0.12 का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि, अगर आपको नहीं पता है तो हम फिर से आपको बता देते हैं कि कोई भी बैटरी चार्ज एसी पावर सप्लाई से नहीं होता है, वो डीसी पावर सप्लाई से होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमको एसी सप्लाई देगा इसको हमको डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमको डायोड लेना होगा। ये देखिए, ये जो मेरा डायोड लिए हैं 4 पीस, इसी डायोड से हमको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा डायोड है, डायोड का जो ये सिल्वर पट्टी देख रहे हैं दोस्तों ये आपका माइनस है और ये जो ब्लैक पट्टी देख रहे हैं ये आपका प्लस है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। ये जो सिल्वर पट्टी है दोस्तों दोनों डायोड का, ये दोनों सिल्वर पट्टी को इस टाइप से मिला के दोनों सिल्वर को हम बाहर करेंगे और इसको इस टाइप से मोड़ देंगे। इस टाइप करके इसको प्रॉपर तरीका से इस टाइप से इसको बढ़िया से प्लास की सहायता से भी आप कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए मोड़ दिए, इसमें दोनों सिल्वर पट्टी बाहर हो गया। अब और दो डायोड लेंगे, ये इसमें दोनों सिल्वर पट्टी बाहर हुआ दोस्तों और इसमें अब दो डायोड जो लेंगे इसको ब्लैक पट्टी को हम बाहर करेंगे इस टाइप से। ये देखिए, इसके ब्लैक पट्टी को बाहर करके इसके दोनों नॉब को हम इस टाइप से मोड़ देंगे। ये देखिए, अब दोस्तों देखिए ये जो मेरा डायड है इसमें सिल्वर पट्टी बाहर हो गया और इसमें ये वाला जो डायड है इसमें ब्लैक पट्टी बाहर हो गया। तो दोस्तों आप दोनों डायड को लेंगे इस टाइप से और इस टाइप से दोनों को मिला के फिर से हम मोड़ना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इस टाइप से मोड़ लेते हैं इसको भी। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम जो ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे थे वो मेरा बन गया है। इसमें देखिए दोनों ब्लैक बाहर हो गया और इधर दोनों सिल्वर बाहर है और इधर एक सिल्वर और एक ब्लैक बाहर है और इधर एक सिल्वर और एक ब्लैक बाहर है। तो दोस्तों हमको एसी सप्लाई, एक सिल्वर और एक ब्लैक इधर है, उधर एक एसी सप्लाई का कनेक्शन करना है और देखिए इस साइड में भी एक सिल्वर और एक ब्लैक है। तो ये दोनों में हमको एसी सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले ये जो बढ़े हुए नोब हैं इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर के दोनों वायर को, एक सिल्वर और एक ब्लैक जिधर है वहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। इस टाइप से देखिए दोस्तों, मेरा कनेक्शन हो गया है ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को। हम जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो दो वायर है उसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर का में कनेक्शन कर लिए हैं। अब दोस्तों ये जो दोनों सिल्वर है, ये दोनों सिल्वर सिल्वर मिलके आपका ये प्लस हो गया। जैसे कि डायोड में आप जानते हैं कि सिल्वर माइनस होता है और ये ब्लैक आपका प्लस होता है। तो दोनों सिल्वर जिधर है ये आपका प्लस हो गया और दोनों सिल्वर और दोनों ब्लैक जिधर है ये आपका माइनस हो गया। अब कैपेसिटर लेंगे दोस्तों, ये देखिए कैपेसिटर का एक लेग बड़ा है और एक लेग छोटा है। तो ये बड़ा लेग आपका प्लस है और ये छोटा लेग आपका माइनस है। देखिए छोटा लेग के बगल में आपका माइनस भी लिखा हुआ है, तो ये आपका माइनस पॉइंट है। तो हम दोस्तों ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाए इसको हम ये जो प्लस वाले जो
पॉइंट है, प्लस वाले पॉइंट को हम सिल्वर टाइप सिल्वर साइड में कनेक्शन करेंगे, और माइनस वाले जो पॉइंट है उसको हम ये जो ब्लैक पट्टी है उधर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इस टाइप से करके कनेक्शन कर लेते हैं। इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम कैपेसिटर का भी कनेक्शन कर दिए हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे, ये दोनों ब्लैक साइड हम कैपेसिटर का माइनस को कनेक्शन किए हैं, और ये दोनों सिल्वर साइड कैपेसिटर का प्लस पॉइंट को कनेक्शन किए हैं। अब दोस्तों हम एक सर्किट बनाएंगे जो ऑटोकॉट बैटरी को चार्ज करने के बाद ऑटोकॉट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा या आप सिग्नल दे देगा, वो सर्किट हम बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले साइड कर लेते हैं। अब एक रिले लेंगे दोस्तों, ये देखिए मेरा 12 वोल्ट का रिले है। तो रिले में देखिए एक साइड तीन पॉइंट है, ये देखिए 1, 2, 3, एक साइड में तीन पॉइंट है और एक साइड में दो पॉइंट है। तो हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हम एक दूसरे पे शॉर्ट कर लेंगे, एक जम्पर वायर लगाएंगे यहाँ से यहाँ और इसको शॉर्ट करेंगे। तो इस टाइप से एक वायर लेते हैं, दोनों को एक दूसरे पर कनेक्ट कर देंगे। अब ये बचे हुए वायर है इसको हम कट कर लेते हैं। अब एक रेड एलईडी बल्ब लेंगे और रेड एलईडी बल्ब के प्लस वाले टर्मिनल को जो रिले है रिले के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन करेंगे। अब और एक ग्रीन एलईडी बल्ब लेंगे और इसके प्लस टर्मिनल को रिले के ये जो नीचे का टर्मिनल जो है दो लेग जिसमें है उसके राइट साइड वाला टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब दोनों एलईडी के माइनस टर्मिनल को इस टाइप से कनेक्ट कर लेंगे। अब एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और ये 1K का रेजिस्टेंस का कनेक्शन दोस्तों ये जो दोनों एलईडी बल्ब के माइनस वाला पॉइंट है यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे। तो ये यहाँ से कनेक्शन करके इस टाइप से हम करेंगे, तो यहाँ पे टच ना हो इसलिए वायर कवर लगा लेंगे। ये देखिए ये मेरा वायर कवर है और इसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब पोटेंशियल मीटर लेंगे, ये देखिए मेरा पोटेंशियल मीटर है। पोटेंशियल मीटर में तीन लेग हैं, तो ये फर्स्ट वाले लेग के साथ हमको जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं रिले में, ये देखिए ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को हम फर्स्ट वाले लेग के साथ कनेक्ट करेंगे। अब एक जम्पर वायर लेंगे, ये देखिए, और ये जो पोटेंशियल मीटर का थर्ड वाला लेग है, थर्ड वाला लेग के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। और ये वाले वायर जो है, ये वाले वायर को हम जो रिले है रिले के थर्ड वाले लेग के साथ कनेक्ट करेंगे इस टाइप से। इससे हम मेरा कनेक्शन पूरा हो गया जो सर्किट बना रहे थे। अब ट्रांसफार्मर लेंगे दोस्तों, जो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाए थे बैटरी चार्ज करने के लिए। ये जो कैपेसिटर के प्लस वाले टर्मिनल जिधर कनेक्ट हुआ है, दोनों डायोड के सिल्वर और कैपेसिटर के प्लस जहाँ पे कनेक्ट है वहाँ पे हम एक रेड वायर का कनेक्शन करेंगे। और ये देखिए ये जो कैपेसिटर के माइनस वाला पॉइंट जिधर है और दोनों डायोड का जो ब्लैक टर्मिनल है उधर हम एक ब्लैक वायर का कनेक्शन करेंगे। इस टाइप से ये दोनों वायर मेरा चार्जिंग हो गया दोस्तों। ये आपका डीसी वोल्ट देगा, आप ब्रिज एक्टिफायर लगाए तो ये एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए ये जो मेरा ब्रिज एक्टिफायर था, दोनों वायर का कनेक्शन हो गया है। अब इसके माइनस वायर को दोस्तों हम जो पोटेंशियल मीटर के फर्स्ट वाले लेग के साथ कनेक्ट होगा, और इसके प्लस वायर को जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो डीसी का प्लस वायर है, प्लस वायर को हम रिले लगाए हैं रिले के फर्स्ट वाला टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, जिसको हम लूप किए हैं कि फर्स्ट वाला टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है इस टाइप से। अब दोस्तों हमको बैटरी चार्जिंग के लिए दो पॉइंट निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये जो देख रहे हैं एलईडी का जो प्लस टर्मिनल जहाँ पे मेरा कनेक्ट हुआ है, वहाँ से हम बैटरी चार्जिंग के लिए प्लस वायर निकालेंगे, और बैटरी के माइनस टर्मिनल के लिए चार्जिंग करने के लिए ये देखिए पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले लेग के साथ ये मेरा माइनस टर्मिनल निकलेगा बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों मेरा सर्किट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें 220 वोल्ट हम एसी सप्लाई देंगे, और ये जो दो टर्मिनल देख रहे हैं ये मेरा डीसी लाइन है जिससे हम बैटरी चार्ज करेंगे। तो चलिए बैटरी ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको चार्ज करके दिखाते हैं ये कैसे ऑटोकॉट चार्ज होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है, इसी को हम चार्ज करके दिखाएंगे। ये देखिए ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 7 एम्पियर हर्ट्ज है इसका पावर कैपेसिटी। तो चलिए हम सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं ये बैटरी मेरा कितना वोल्ट है। तो ये देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, इसके नॉब को हम डीसी 20 वोल्ट पे कर लेते हैं, और हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये बैटरी अभी कितना चार्ज है। तो ये देखिए हम चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों ये जो मेरा बैटरी है ये आपका 1.578 वोल्ट दिख रहा है। चलिए हम इसको चार्ज में लगा के आपको दिखाते हैं कि ये कितना टाइम में फुल चार्ज होता है।
तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, मेरा कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम इसमें 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये रेड बत्ती ग्लो करेगा। ये देखिए मेरा रेड बत्ती ग्लो कर रहा है। अब हम इसको चार्ज में लगा के देखते हैं, जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा दोस्तों ये आपका ग्रीन बत्ती जलने लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये दोनों वायर को लगा लेते हैं बैटरी में, जब कितना देर में बैटरी फुल चार्ज होते है ये टेस्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों ये मेरा बैटरी चार्ज कर रहे थे, बैटरी फुल चार्ज हो गया है। ये देखिए मेरा ग्रीन बत्ती ग्लो करने लगा है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे ये ऑटोकॉट बैटरी चार्जर है 12 वोल्ट का। तो पहले तो हम चार्ज कर रहे थे तब रेड बत्ती ग्लो कर रहा था, अब देखिए जैसे ही मेरा बैटरी चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, ये आपका ग्रीन बत्ती ग्लो करने लगा। इसका मतलब ग्रीन बत्ती ग्लो करने लगा मतलब फुल चार्ज हो गया दोस्तों। तो चलिए एक बार हम आपको ये बैटरी टेस्ट करके दिखाते हैं। तो हम एक मल्टीमीटर लेंगे, ये देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको हम डीसी वोल्ट पे करके हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कितना चार्ज हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखाए थे ये 1 कुछ वोल्ट था। तो ये देखिए अभी बैटरी हीट है इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा वोल्ट बता रहा है, ये 13.623 इस टाइप से वोल्ट बता रहा है दोस्तों। ये आपका 3 घंटा में फुल चार्ज हो गया मेरा बैटरी। इस टाइप से आप भी अपने घर में ऑटोकॉट 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर बना के यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।